कैसे जाके मैं उनको निकालूं वहां से, या कैसे मेरे समर्थक वहां पर जाएं और उनके समर्थकों के साथ, क्योंकि ये दो हफ्ते पहले सब एक ही थे। मेरे चाचा जी ने हमेशा आवाज़ के तौर पर भी इस्तेमाल किया, तो मेरे लिए ये उचित नहीं होगा कि मैं उनको जाकर बोलूं कि भैया आप अपना आवाज़ खाली करें। अपने पार्टी कार्यालय जाने के लिए मुझे किसी की अनुमति, किसी के समर्थन की ज़रूरत नहीं है। कोई नहीं रोक सकता मुझे वहाँ जाने से। मैं देखिए मेरे चाचा रहे हैं भाई, वो मैं मेरे चाचा हैं भी, और मैं बचपन से मैं उनकी गोद में खेला हूँ, पढ़ा हूँ, बढ़ा हुआ हूँ। मैं कैसे जाके मैं उनको निकालूँ वहाँ से, या कैसे मेरे समर्थक वहाँ पर जाएं और उनके समर्थकों के साथ, क्योंकि ये दो हफ्ते पहले सब एक ही थे। कैसे उनके साथ जाकर कोई ज़ोर ज़बरदस्ती करे, भाई आपको नहीं पसंद मैं कार्यालय हूँ, मैं नहीं आऊँगा, मैंने व्यवस्था कर ली ना अपने यहाँ पर। पर हाँ, जिस दिन मुझे अपना कानूनी अधिकार वहाँ पर जताना होगा मैं आऊँगा, और तब तक मैं आपको समय दे रहा हूँ कि आप वहाँ से जितना हो सके आप भी अपनी वैकल्पिक व्यवस्था बना लें, क्योंकि इस बात की चिंता हम लोग को हमेशा से रही है कि वो कार्यालय ज़रूर रहा है, बट उसको मेरे चाचा जी ने हमेशा आवाज़ के तौर पर भी इस्तेमाल किया, तो मेरे लिए ये उचित नहीं होगा कि मैं उनको जाकर बोलूं कि भाई आप अपना आवाज़ खाली करें। देखिए, लोजपा कोटे की अगर आप बात करें तो हाँ, इस बात को हम लोगों ने हमेशा कहा है कि भैया लोक जनशक्ति पार्टी का केंद्र में हम लोग का गठबंधन रहा है, और केंद्र में अगर आज की तारीख में उस गठबंधन में अगर आप लोक जनशक्ति पार्टी का स्वरूप देखें तो उस पार्टी में एक ही सांसद है और वो लोक जनशक्ति पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान है। बाकी के 5 सांसदों को पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी द्वारा निकाल दिया जा चुका है। बट हाँ, अगर कोई ऐसा फैसला अगर भारतीय जनता पार्टी के द्वारा लिया जाता है जहाँ पर किसी दूसरे गुट को अगर वो मान्यता देती है, तो उसके बाद पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी बैठेगी और उन लोग आगे का क्या फैसला होगा वो लिया जाएगा। देखिए, मैं सबका मैं धन्यवाद करता हूँ जिन्होंने मुझे अपने साथ आने का निमंत्रण दिया, पर आज की तारीख में मेरी प्राथमिकता अलग है। जहाँ एक तरफ मेरी प्राथमिकता इस आशीर्वाद यात्रा को इसी तरीके से मजबूती से आगे बढ़ाकर प्रदेश भर के लोगों का आशीर्वाद लेने की है, तो वहीं अभी जैसा मैंने कहा, कोई चुनाव नहीं है, कोई गठबंधन की चर्चा अभी करना उचित नहीं है। जब चुनाव सर पर आएंगे उस वक्त गठबंधन का क्या स्वरूप होगा उस वक्त बैठकर पार्टी के तमाम लोग तय करेंगे। देखिए, यकीनन यही तो मेरे प्रश्न है। मैंने बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट में आज की तारीख में देख लीजिए, जो रोजगार मांगने जाता है उस पर लाठी चलाई जाती है। यहाँ पर हमारे छात्रों की हालत देख लीजिए भाई, गजब प्रदेश है हमारा, सालों साल तक यहाँ पर रिजल्ट ही नहीं आते। तो उसमें अगर आप इन सारी चीज़ों पर अगर आप ध्यान नहीं देंगे, यही कारण है कि हमारे बच्चे कोटा जाते हैं, दिल्ली जाते हैं, बम्बई जाते हैं, और वहीं जाकर, और मेरे लिए चिंता का विषय आने वाले दिनों में हमारा प्रदेश, आज जो हमारी ताकत है कि भैया युवा प्रदेश है, आने वाले दिनों में हमारा प्रदेश एक बुजुर्ग प्रदेश बनकर रह जाएगा। यहाँ से हमारे बच्चे बाहर जाते हैं शिक्षा करने के लिए, वहीं पर फिर उसके बाद काम करने लगते हैं, वहीं पर घर खरीद के रहते हैं, वहीं पर शादी करते हैं, बच्चे पैदा करते हैं, और उसके बाद पूरी ज़िंदगी वहीं पर बिता लेते हैं, और अंत में जब माता पिता की तबीयत यहाँ पर ख़राब होती है तो अपने गांव आते हैं, वो भी अगर कोई समय पर पहुँच पाए। एक सक्षम परिवार आप लोग मुझे बता दीजिए ना, अपने परिचितों में से भी जो थोड़ा भी सक्षम हो, वो सबसे पहले अपने बच्चे बच्ची को दूसरे प्रदेश भेजता है शिक्षा के लिए, रोज़गार के लिए। तो इन विषयों पर चर्चा करने की ज़रूरत है, पर हमारे मुख्यमंत्री करते नहीं है ना, तकलीफ इस बात की है। देखिए, मुझे नहीं पता कि किसको फ़ोन आया है, किसको फ़ोन नहीं आया है, इसकी देखिए, मैं शायद मंत्री नहीं बना कभी, पर मैंने अपने पिताजी के शपथ ग्रहण समारोह में मैं कई बार गया हूँ, 6 प्रधानमंत्री के साथ उन्होंने काम किया। मुझे ये समझ में आता है कि इसकी औपचारिक घोषणा की जाती है उन लोगों को, इस बार से जब से हमारे मौजूदा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बने, ये नई परंपरा शुरू हुई है कि शपथ लेने से पहले आमंत्रित किया जाता है, बुलाकर एक बैठक होती है। नहीं तो इससे पहले जितना मैंने देखा, राष्ट्रपति भवन से ही सीधा फ़ोन आता था कि भैया 1 घंटे में आप आ जाइए, आपको शपथ ग्रहण लेना है। ये अभी तक की परंपरा रही। इस बार भी किसको फ़ोन आया नहीं आया है, अगर आपके पास कोई औपचारिक इस बात की सूचना आ जाए तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा, तब मैं इस पर औपचारिक टिप्पणी करूँगा।